आज देश भर में LIC के लगभग 2000 ब्रांचों के 1 लाख से ऊपर कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर हैं। कर्मचारी हड़ताल पर होने के चलते ग्राहकों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है। पानीपत में भी हड़ताल का असर दिखा है। बता दें कि कर्मचारियों की आज एक दिन की हड़ताल ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉई एसोसिएशन के बैनर तले हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बाकी विभागों की तरह LIC का भी निजीकरण करना चाहती है। इसी के तहत सरकार ने LIC में FDI 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। इसके अलावा सरकार LIC का हिस्सा IPO के रूप में जारी कर शेयर मार्केट में लगाना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत फैसला है। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले काफी समय से हमारा वेज रिविजन भी नहीं हुआ, जो कि आमतौर पर हर 4 साल के बाद होता है। इसके अलावा सरकार ने LIC में बहुत समय से पक्के कर्मचारियों की भर्ती नहीं की है, कच्चे कर्मचारियों को ही नौकरी पर रखा जा रहा है। आज हमारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। अगर सरकार द्वारा हमारी मांगे जल्द ही नहीं मानी गई तो आगे भी हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हाँ जी सर, क्या हड़ताल है सर, किस मुद्दे पे आज? हाँ, आज की हड़ताल LIC में पूरे देश भर में सभी ऑफिस में हो रही है। इसमें लगभग 1 लाख कर्मचारी भाग ले रहे हैं। ये जो LIC मैनेजमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से LIC का IPO इंटरनेशनल मार्केट में लाया जा रहा है, शेयर मार्केट में इसको LIC को बेचने का काम किया जा रहा है। जैसा कि दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र रेलवे को गवर्नमेंट ने प्राइवेट को बेच दिया है, बैंकों को बेच दिया है, और सब इसी सिलसिले में LIC को भी बेचने का जो कार्यक्रम है गवर्नमेंट का चल रहा है, उसके विरोध में आज की हड़ताल है। और दूसरा मुद्दा हमारा वेज रिविजन का है, जो वेज रिविजन हमारा लागू किया जाए, जो कि बैंकों में ऑलरेडी उसका भुगतान हो चुका है, लेकिन LIC इतना प्रॉफिट कमा के दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला, कोई हमारा वेज रिविजन अभी तक नहीं लागू किया FDI. इसके लिए। और FDI है जो फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट है, जो कि 49% से लेके अब 75% करने जा रही है गवर्नमेंट, और इस तरह से पूरा ये प्राइवेट लोगों के हाथों में बेचने का, जो कि LIC एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको बेचने का प्रोग्राम ये मोदी सरकार कर रही है, और ये पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। और दूसरी जो बैंक वाले हैं, उन्होंने भी अभी हाल ही में 15-16 को हड़ताल की है, इसी सिलसिले में उन्होंने भी हड़ताल की है। तो गवर्नमेंट के भारी लोगों के, अपने एम्प्लॉइज़ के भारी विरोध के बावजूद भी गवर्नमेंट अपने स्टेप पीछे नहीं ले रही है, तो इसलिए हम ये आज की हड़ताल कर रहे हैं, और आगे भी हड़ताल ऐसे होती रहेंगी। अगर सरकार नहीं मानी तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सर, एक दिन की हड़ताल? एक दिन की हड़ताल है। वर्कर्स यूनिटी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक